आज के दौर में शासकीय विद्यालयों की बात की जाए तो वह अव्यवस्थाओं को लेकर या ठीक से संचालन न होने की बात को लेकर शिकायतों में घिरे रहते हैं। लेकिन इसी दौर में कुछ शासकीय विद्यालय ऐसे भी हैं जिन्होंने क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रदेश में अलग पहचान बना रखी है और हर बार एक ऐसा नया करते हैं जिससे कि विद्यालय की पहचान के साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को नया सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक विद्यालय की हम बात कर रहे हैं बागली विकास खंड के ग्राम छतरपुरा में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय की, जहां पर शिक्षकों की मेहनत से विद्यालय की एक अलग पहचान बनाकर रखी है। पूर्व में यहां के शिक्षक सम्मानित भी हुए हैं। विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से होता है, वहीं पढ़ाई में भी विद्यालय अव्वल रहता है। यहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे स्तर की शिक्षा मिल रही है, इसके साथ ही उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इसी दौर में यहां पर एक और नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। पेड़ भी देंगे अपना परिचय। शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में ये लगे पेड़ अपना परिचय खुद देंगे। इन सभी पेड़ों के तने में QR कोड लगाया गया है और आइए इसको कैसे ऑपरेट करें, इसको कैसे देखें। प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल में QR कोड एप्लीकेशन होता है, आप इसे टच करें और स्कैन करें। पेड़ों की महत्ता बताने के लिए मेरे को लगता है कि जो डिजिटल टेक्निक युग है उसमें ये QR कोड लगाए गए हैं। इससे हर मोबाइल में जो इस QR कोड एप्लीकेशन होता है उससे ये जानकारी मिलेगी कि पेड़ की क्या खासियत है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और ये पेड़ कितना फ़ायदेमंद है। ये बच्चे तो ठीक है, यहाँ तक कि गाँव वाले भी अगर यहाँ आके उसको कोई भी आके देख सकता है। कितने बच्चे सर यहाँ पर अध्ययन रहते हैं? 80 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और सबसे अच्छी बात है हमारे शिक्षक साथी और बच्चों के द्वारा ही यहाँ के जो वीडियो है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, स्थानीय स्तर पर ही बनाए गए हैं। क्या है ये सभी शिक्षकों की मेहनत और लगन का परिणाम है कि यहाँ पर नए नए तरीके खोजे जाते हैं, चाहे पढ़ाई का माध्यम हो या कुछ भी हो। अंदर भी हमने प्रयोगशाला निर्मित कर रखी है और इस युग में बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो इसके लिए हम लगातार मेहनत करते रहते हैं। पूर्व में भी विद्यालय द्वारा अच्छे कार्य किए गए और सम्मानित भी किया गया था विद्यालय को? जी हाँ, ये तो कहना होगा कि अच्छे कार्यों का कहीं ना कहीं सम्मान तो होता है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी लगातार हमें मोटिवेट करते रहते हैं और उससे ही हम लोग बच्चों के लिए इतना अच्छा कर पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।